हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ हरा प्याज और टमाटर की सब्जी, चटनी, जो भी बोल रहे हो अपनी अपनी उसमें। अब इस दर मैंने बनाने के लिए कढ़ाई गर्म कर दी, इसमें 2 चम्मच सरसों के तेल डाल दिए और 2-4 दाने मेथी के, थोड़े से जीरा, थोड़ी से अजवाइन को मैंने अच्छे से चटका चटका दिया है। अब इसमें मैं 2 हरी सूखी मिर्च डाल दूंगी। इसको सूखी मिर्च को साबुत नहीं डालना, थोड़ा सा तोड़ के साइड में से डाल दीजिए, नहीं तो तेल में जाके ये फूल के फट जाती है, सारे छींटे चेहरे पे आ जाती है। इससे बचने के लिए ये कर लेना ज़रूरी है। इसको 2 सेकंड के लिए कलर चेंज होने तक भून लेंगे। अब इसमें 2 कली लहसुन को मैंने काट के रखा था बारीक, और 1 हरी मिर्च को, इसको भी डाल के 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें ये कटा हुआ हरा प्याज डाल देंगे। इस मौसम में बहुत अच्छा हरा प्याज आती है, बहुत टेस्टी लगती है खाने में ये चटनी। इसको ऐसे चलाते हुए थोड़ी देर, 1 मिनट तक हम इसको ऐसे चलाएंगे। ज़रा ये घट गया। अब इसमें अब डाल देंगे कुछ मसाले, थोड़े से कश्मीरी मिर्च, ये तीखा नहीं होता, थोड़े से गरम मसाला और थोड़े से हल्दी, 1 चम्मच हल्दी। इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम ये कटा हुआ टमाटर, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब टमाटर गलाने के लिए यहीं पर हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। इसको अच्छे से मिक्स करके 2-3 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। देखिए 2-3 मिनट हो गया है, टमाटर गल गई अच्छे से। जो थोड़ी बहुत बची है कलछी की सहायता से इसको अच्छे से दबाते हुए इसको मैश कर लेंगे। ऐसे लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक हम ऐसे मैश करते हुए कर लेंगे। देखिए दोस्तों, चटनी हमारी रेडी हो गई, यम्मी सा टेस्टी, खट्टी मीठी, खट्टी तीखी चटनी, रोटी के साथ या चावलों के साथ, जिस किसी के साथ भी खाना चाहिए आप खा सकते। दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिख लीजिएगा। धन्यवाद।